अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने बकरीद को लेकर यानी ईद उल अज़हा को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। उसमें कुर्बानी का ज़िक्र भी किया है, कुर्बानी के साथ साथ कुछ एहतियात भी बताए हैं। पर इस गाइडलाइन से मुसलमान कन्फ्यूज़ है और ये कन्फ्यूज़न हम लोगों को भी है। वो इसलिए है क्योंकि इसको साफ अंदाज में नहीं बताया गया कि 1 अगस्त को बकरीद का पहला दिन है और 1 अगस्त शनिवार यानी सैटरडे के रोज़ बैठ रही है। उस रोज़ लॉकडाउन होगा। इस लॉकडाउन में छूट दी जाएगी नहीं दी जाएगी या इस लॉकडाउन को ख़त्म किया जाएगा, इसका भी जिक्र होना चाहिए था। मैं अपील करूंगा सरकार से कि इस मामले पर पुनः विचार करें और उसके बाद साफ अल्फाजों में सारी बातों को वाज़ह तौर पर बयान जारी करें, जिससे कि मुसलमान कौम जो कन्फ्यूज़ है उनका कन्फ्यूज़न दूर हो और हम लोग भी लोगों को सही तरीके से समझा सकें। और मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि बकरीद के दिन यानी ईद उल अज़हा के दिन साफ़ सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि सफाई आधा ईमान है। किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे इसका भी पूरा पूरा ख्याल रखा जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।